नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक का न्यू अकाउंट ओपन कैसे करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना है एयरटेल तेज पोर्टल, यानी कि यहां से आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहां से आ सकते हैं। चलिए यहां से हम इसे लॉगिन कर लेते हैं पोर्टल को। जैसे कि हम अपने पोर्टल पे आ गए हैं और यहां से सबसे लास्ट में आपको देखने को मिल जाती है ऑप्शन ओपन बैंक अकाउंट न्यू, जस्ट आपको इस पे क्लिक कर देना है। अगर आप इंडिया से हैं तो यहां पे यस करेंगे आप और आगे बढ़ेंगे। जिस नंबर से आपका अकाउंट ओपन करनी है मोबाइल नंबर आपको यहां पे सिंपली फिल कर देनी है और यहां से नीचे जस्ट देखने को मिल जाती है सेंड कोड, आपको जस्ट क्लिक करना है। सेंड कोड पे क्लिक किए और यहां से ओटीपी हमारी आ गई है, यहां से ओटीपी फिल कर लेते हैं और यहां से आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है यहां से आधार का डिटेल फिल करनी है, जैसे कि यहां से अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी नंबर यहां पे आपको जस्ट फिल करना है और यहां से बॉक्स पे क्लिक करके और नेक्स्ट आगे बढ़ जानी है। अब यहां से ऑथेंटिकेशन करने का ऑप्शन आ गई है, जैसे कि फिंगर का आइकन देख रहे हैं आप, और यहां से फिंगर वाले आइकन पे आप क्लिक करेंगे और आपके सिस्टम में कोई भी डिवाइस अटैच होनी चाहिए, जैसे मोर्फो मंत्रा जो भी है आपके पास, और यहां से हम जस्ट इस पे क्लिक करेंगे और ये फिंगर स्कैन कर लेगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। अगर आपके पास पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो डोंट हैव अ पैन नंबर, इस पे क्लिक करना है आपको और नेक्स्ट स्टेप की आगे बढ़ जानी है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो चलिए यहां से हम पैन कार्ड नंबर फिल कर लेते हैं। अब हम यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट होगी आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहां से देखने को मिल जाएगी, जैसे कि देख सकते हैं कस्टमर इंफॉर्मेशन यहां से आपको देखने को मिल रही है और यहां से आपका आधार का एड्रेस अगर सेम रखनी है, आपके परमानेंट एड्रेस हो, तो जस्ट इस पे क्लिक करना है और दोनों बॉक्स पे आपको क्लिक करके नेक्स्ट आगे बढ़ जानी है। अब यहां से कंफर्म डिटेल पे आपको क्लिक करके ये सारी डिटेल फिल करनी होगी, जैसे कि फादर नेम, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन और एनुअल इनकम आपकी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम क्या है, अदर इनकम। फादर नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। यहां से आप अपने ऑक्यूपेशन को सेलेक्ट करेंगे, आप क्या काम करते हैं, जैसे कि हम एक बच्चे का खोल रहे हैं, स्टूडेंट के अंदर इसको डाल सकते हैं। तो हम आ गए हैं एनुअल इनकम पे, आप अपने हिसाब से यहां से इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं, आप सालाना कितना कमाते हैं, आपकी फैमिली इनकम क्या है और यहां से एग्रीकल्चर से आपका क्या इनकम है, आप अपने हिसाब से टोटल जानकारी यहां से फिल कर लेंगे और नेक्स्ट हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। नॉमिनी डिटेल्स, नॉमिनी आप अपने अकाउंट में ऐड करना चाहते हैं तो नॉमिनी की सारी डिटेल यहां से आपको फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि नाम है, रिलेशन है और नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ है। अगर आधार पे जो आपके आधार पे जो एड्रेस है वो नॉमिनी के एड्रेस में वही एड्रेस आपको सेम करनी है तो ये वाले बॉक्स पे आपको जस्ट क्लिक कर देना है और प्रोसीड पे हम आगे बढ़ जाएंगे। नॉमिनी डिटेल्स कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं डालनी है तो ये वाले बॉक्स पे आपको जस्ट क्लिक करना है, अगर आपको डालनी है तो ये सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब यहां से आपको सिलेक्ट करना है चूज योर अकाउंट टाइप, आपको किस टाइप का अकाउंट खोलनी है, जैसे कि इसमें फोर टाइप आपको देखने को मिल रही है। फर्स्ट में है नॉर्मल सेविंग अकाउंट, भरोसा सेविंग अकाउंट, रिवॉल्विंग सेविंग अकाउंट ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो एक अलग से वीडियो आपको लाके देख सकते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो। चलिए हम नॉर्मल सेविंग अकाउंट से आगे बढ़ते हैं। यहां से आपको बॉक्स जितने सारे मिल रहे हैं इस पर क्लिक कर देना है। सिंपली आपको यहां से अपना अमाउंट सेलेक्ट करना है कि आप अपने बैंक में कितना डिपॉजिट करना चाहते हैं। मैंडेटरी है आपको 50 रुपए से ऊपर ही आपको डालना पड़ेगा, इसलिए से आप अपने हिसाब से यहां पे अपना अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहां से 100 रुपया सेलेक्ट किया और यहां से नेक्स्ट करेंगे और यहां से आपको आपके सामने एक पॉपअप जनरेट होगी। इसमें डिपॉजिट करने के अलावा आपसे 100 रुपये कंपनी चार्ज काटती है, इसी के बारे में यहां पे बताई जा रही है। आप जितना डिपॉजिट करेंगे उससे एक्स्ट्रा 100 रुपये आपको चार्ज काटेगी। जो अकाउंट टाइप है, अकाउंट टाइप डिटेल्स यहां से शो होगी, आप जानकारी सही से मिला लें और प्रोसीड वेरिफिकेशन डिटेल पे आगे हम बढ़ेंगे। फिर से आपको अपना सारी डिटेल मैच कर लेनी है, नेक्स्ट हम यहां पे वेरीफाई करेंगे और यहां से आपको आधार के अनुसार एक बार फिर से बायोमेट्रिक देनी होगी। फिर से हम बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां से हम अपना पोर्टल की जो एम पिन है यहां से फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। दोस्तों अब यहां से आपसे पूछा जा रहा है डू यू विश टू अवेल गवर्नमेंट सब्सिडरी डायरेक्ट इनटू एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट। अगर आपको एनपीसीआई से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट करनी है तो आप यहां से यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यहां से अगर पहले से आपका कोई भी अकाउंट नहीं है, फर्स्ट टाइम एयरटेल पेमेंट बैंक ही अकाउंट ओपन हो रही है, तो आपको फर्स्ट टाइम लिंकिंग पे क्लिक करके आगे बढ़ना है और यहां से हम इसमें आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक की नाम इसमें फिल करनी है।
यहाँ से हम अपना बैंक सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से फिर से आपको एक बार स्कैनर की मदद से फिंगर देनी होगी। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग अ नॉर्मल सेविंग अकाउंट, एयरटेल पेमेंट बैंक में आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन हो चुकी है। लाइव देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बेहिचक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।